अल्लाह पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो दानिश की मम्मी जो है ये देखिए तोते के साथ क्या कर रही, तोती के साथ सॉरी। तो ये बहुत प्यार करवाती हैं, अगर आप इन्हें प्यार नहीं करेंगे तो ये आपको काट लेंगी। आज इन्होंने काटा, कहाँ काटा है आपको? और ये सर भी झुका लेती हैं, ये सर भी मोहब्बत में झुका देती है, ये मोहब्बत में सर झुका देती है। ये देखिए ऐसे उठाओ सर, दिखा दो सबको अपना। अभी आप, अरे वाह ये तो बहुत प्यारी है, लग रहा आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। तो सोचा कि इन्हीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत की जाए, और तकरीबन शाम हो रही है और मगरिब का टाइम हो रहा है। तो आज शाही जायका यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे खानसामा हैं उनके मामा की डेथ हो गई है, तो इस वक्त ये घर में पाए जा रहे, वरना तो इनको 11:30 बज जाता है। और देखिए अभी इनको ये तोती काट लेती। तो आप सब जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है मेरे चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर। तो मरियम आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बैठे हैं। तो ये बलून किस खुशी में? दानिश के हैं। दानिश के हैं, तो आप क्यों लिए हुए हैं? भाभी के लिए लेके आया था दानिश। तो दानिश के बलून के साथ आप खेल रही हैं? ये वैसे अपनी मम्मी से जुड़ी कहानी। अच्छा आपको मरियम की मम्मी से जो है क्या कहते हैं, एक बात बताते हैं, जो बचपन में ये खो गई थी देवा मेले में, आप कैसे खो गई थी आप बताइए? बलून दे दो पहले, तब फिर कहानी सुनाएंगी, तब अच्छा लगेगा। मम्मी तो मस्त हो गई थी खरीदारी करने में, और हम खो गए। आप कितने साल की रही होंगी तब? 5 साल के थे। और क्या हुआ था आपके साथ? बलून लेके खड़े हो जाओ, खरीदने लगी मेले में, बस पता नहीं कैसे हाथ छूट गया, और एक और औरत गुब्बारे की लालच में आ, और एक औरत हमें गुब्बारा पकड़ के लेके चली जा रही थी, हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि आपको गुब्बारा बहुत पसंद था ना। आप मेन बात तो बता ही नहीं रही हैं, मम्मी सुरमा ले रही थी, आप बहुत छोटी थी इसलिए आपको याद नहीं है, मम्मी मेरी सुरमा ले रही थी, और ये बलून एक जो बलून वाला था, बलून बेच रहा था, ये वहाँ खड़ी हो गई जा करके, और एक औरत जो थी वो सिर्फ बच्चे चुराती थी, और वो समझ गई बच्ची की कमज़ोरी, मरियम की मम्मी की कमज़ोरी समझ गई कि इनकी कमज़ोरी की बलून है, तो उसने बलून लिया और इनका हाथ पकड़ा, और अल्लाह जाने क्या कहा इनसे कि ये बलून वाले की साथ जो है चलते चलते चली गई। मेरी मम्मी इतनी इस कदर परेशान हो गई और चिल्लाने लगी, अरे अल्लाह मेरी लड़की कहाँ चली गई, खो गई। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कह करके अनाउंसमेंट करवाया, तो ऐसा हुआ कि फिर जब किसने देखा, फिर मेरे खालू हैं, कभी हम आपको अपने खालू जी से मिलवाएंगे, वो फैज़ाबाद में रहते हैं, तब उन्होंने कहा वो देखो बिटिया जा रही है। तो आप सबको एक बात और बताते चलें कि ये हमारी सबसे छोटी बहन है, और लाड में सब घर में इसको बिटिया ही बुलाते हैं, और जो घर में छोटा होता है तो उसको या तो इंसान बिटिया है और बाबू है, जो भी प्यार में बुलाया जाए। तब फिर कहिए कि हम लोग की किस्मत में लिखा हुआ था कि ये घर वापस आ जाएँ, अगर ये खो जाती तो क्या होता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया है कि अल्लाह पाक ने मेरी बहन को वापस भेज दिया, वरना वो औरत ले जाती, अल्लाह जाने क्या करती, और ना जाने कैसे कोई किसी का बच्चा चुरा लेता है और लेके चला जाता है। तो बहुत बलून से खेलती थी, यहाँ तक कि इनके पास एक बलून वाली क्या थी, बलून वाली इन्होंने उसमें कैसे बना हुआ था आप बताइए जरा, ऐसे लंबा सा ऐसे बलून टाइप का जैसे ये दिखला रही है मरियम बलून। तो रियलिटी लिए होता है तो हम आप तक जो है बिल्कुल इसी तरह का बिल्कुल रियल वाला ब्लॉग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि मेरी बहू रानी जो है आज डिनर की प्रिपरेशन उसने क्या कर रखी है। वैसे तो हमने मसाला वगैरह निकाल के दे दिया है, अभी हमारे बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि ऊपर पानी नहीं आता है जल्दी से। तो क्या बन रहा है भाई? तो आज बन रहा है हमारे यहाँ चिकन कोरमा, जिसकी रेसिपी कितना चम्मच इसमें डाल दीजिए आप? तकरीबन 2 चम्मच। अब इसको फ्रीजर में लगा दो बेटा, लहसुन अदरक को, और इस कुकर को अवॉइड करिएगा क्योंकि मार्केट तो गए लेकिन इसमें उस दिन दाल रखी हुई थी तो हम लोग ले करके नहीं जा पाए, इसकी हैंडल टूट गई है। तो बनेगा आज पुलाव और चिकन कोरमा। तो ये दोनों ही रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो शेयर करने का और आपके साथ रेसिपी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 3 बार 4 बार मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है अपलोड है। और चलिए आपको ले चलते हैं बाहर, बाहर का व्यू कैसा है, पतंग उड़ रही है, क्या हो रहा है।
तो पतंग तोड़ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ढेर सारी पतंगे उड़ रही हैं। और हमारे घर का जो ये सामने का फ्रंट वाला व्यू है, इतना प्यारा लगता है। अभी मिक्सी चल रही है, मेरी आवाज़ आप सबको थोड़ी कम लग रही होगी। तो चलिए फिर, दानिश कहाँ गए? दानिश बाहर आओ। हाँ बाहर आओ। आज दानिश जो है, आज दानिश की नई शॉप खुली है पतंग की। तो कितने की पतंग बेची दानिश? तो दानिश ने 20 रुपए की पतंग बेची है और बहुत खुश हैं। अब चलते हैं। तो ये जो मिक्सी है ना हमारी, बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से शोर करती है। और चलिए कमरे में चलते हैं, गर्म हो रही है, थोड़ा सा कूल हो लिया जाए। बलून तो सच में अच्छे लगते हैं। क्या हुआ तोती ने, क्या किया? ये देखो कितनी जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। हर वक्त इनको मस्ती रहती है। हमें लगता है ये पिछले जन्म पे रैंप पे चलती थी। ये बहुत कोई मशहूर हीरोइन थी। आ जाइए आ जाइए, ये आपका रैंप है। चलिए इसके ऊपर रेड कारपेट बना दो, ये चले आराम से। अल्लाह जाने क्या चीज़ ढूंढ रही है ना। रास्ता ढूंढ रही है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आ जाओ आ जाओ। हेलो। हाँ भाई मिलो। तो चलिए फिर। अरे भाई यार इंतकाल हो गया। आगे मिलते हैं आपसे। वही मिट्टी में। तो बलून का कपड़ा बना हुआ था ना, तो और उसमें ऐसे करके बलून गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। हाँ तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं, गुब्बारे वाली फ्रॉक ना। हाँ उसको गुब्बारे वाली फ्रॉक, जब ये रोती थी तो नहाती थी तो कहती थी सिर्फ हम गुब्बारे वाली फ्रॉक पहनेंगे। तो बहुत ज़्यादा गुब्बारे से प्यार था। खैर चलिए वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। और आगे जो जो होगा आज जो है रियल वॉइस रहेगी। और मेरी कोशिश है कि आप हमें वॉइस ओवर ना करना पड़े, तो आप तक की रियल जो है वॉइस होती है तो वो थोड़ी हार्ट टचिंग होती है और अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा ब्लॉग जो है रियलिटी लिए हुए। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और हम आपको ये सूट दिखला रहे हैं जो मरियम की मम्मी काट रही हैं। तो पहले जो है ये आप लोगों ने कनिका कपूर का नाम सुना ही होगा, जिनको भी हाल में ही कोरोना हो गया था। तो हम लोग उनकी मम्मी के ही साथ काम करते थे साथ में, क्योंकि उनके यहाँ भी चिकन का काम होता है और हमारे यहाँ भी। तब से जो है कनिका कपूर जो है हमारी बहन की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी। वो तो कह रही थी कि आपको हम अपने घर नहीं जाने देंगे, आप मेरे साथ ही रहो। तो आप सब, कनिका कपूर का एक बहुत ही फेमस गाना है, उसी गाने से वो इतना ज़्यादा जो है ऊपर उठ गई। और जब उनको कोरोना हुआ तो हम लोगों ने उनके लिए बहुत सारी दुआएं की कि वो जल्दी से अच्छी हो जाएं। और हम लोग तो भूल ही गए थे उनको कि ये वही कनिका हैं। तो जब हमने उनकी मम्मी को देखा, पूनम कपूर को, तब याद आया, अरे ये तो कनिका की, अच्छा ये वही वाली कनिका है जो बचपन में मरियम की मम्मी की दोस्त हुआ करती थी। क्योंकि पहले हम सब लखनऊ में रहते थे, उसके बाद जब बाराबंकी शिफ्ट हो गए हम वॉइस ओवर कर रहे थे। इन लोगों को हंसी आ रही है, मेरी बात झूठ लग रही है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो कनिका कपूर की मम्मी थी वो मेरी मम्मी को नेताजी कहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है नेता नगरी वाले काम ज़्यादा करती थी, उनको सब नेतागिरी वाले काम ज़्यादा पसंद है, तो वो मम्मी को नेता ही नेता कह के पुकारती थी। तो मरियम की मम्मी जो है कनिका कपूर की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, उनको बहुत मानती थी। तो वही हम लोग कढ़ाई कर रहे थे तो उनके यहाँ की बात होने लगी कि किसी ज़माने में हम लोग कनिका के घर जाते थे, उनकी मम्मी का बहुत अच्छा काम था, दुबई वगैरह एक्सपोर्ट होता था ये चिकन का काम। और
उनकी मम्मी का जो काम होता था वो बहुत ही अच्छे, मतलब VIP स्टैंडर्ड वाला जो काम चिकन का होता था, तो सारा उनका माल जो है बाहर ही जाता था। तो खैर, ये चिकन की कढ़ाई आपको कैसी लगी बताइएगा। और अभी भी हमारे यहाँ चिकन के कपड़े जो हैं कढ़ाई किए जाते हैं, एग्जीबिशन होती है, और जो बाराबंकी के होंगे अगर उनको चिकन का कुछ सूट वगैरह चाहिए होगा तो मेरी जो ID है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है इंस्टा की, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और हम वहाँ से आपको डिज़ाइन वगैरह जो है सेंड कर देंगे। तो चलिए अब आपको हम ज़बरदस्त की सब्ज़ी बनाना सिखाते हैं कद्दू की, क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप जब कद्दू की सब्ज़ी बनाइएगा तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर तेल जैसे ही हमारा गर्म हो गया, हमने उसके अंदर हींग, ज़ीरा और मेथी डाल दिया है, और उसके बाद जैसे ही हींग, ज़ीरा, मेथी हो गया तो उसमें हमने एक कटी हुई प्याज और 6 से 7 अदद हरी मिर्च डाल दी है। तो तकरीबन 1 किलो के करीब कद्दू है, और यहाँ पर किचन किंग मसाला और 2 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के करीब सब्ज़ी मसाला हमने ले रखा हुआ है, और 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया है, और ये 2 टमाटर है। जो जैसे ही हमारा मिर्चा और प्याज जो है थोड़ा सा सुर्ख हो गया तो उसके अंदर हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए। और सब्ज़ी इस तरह से इतनी अच्छी बनती है, आज तो मरियम ने भी खूब खाई ये सब्ज़ी, उनकी मम्मी ने भी, पापा को भी बहुत पसंद आई, तो सबने बहुत तारीफ़ की सब्ज़ी की। और मसाला हमारा जल्दी से भुन जाए तो इसलिए हम जल्दी से प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 3 सीटी ले ली, हमारा मसाला देखिए अच्छे से कुक हो गया है, और उसके बाद गैस रिलीज करने के बाद हमने मसाले को 2 मिनट और भून लिया। और जैसे ही हमारे मसाले ने तेल छोड़ा, उसके अंदर हमने कटे हुए कद्दू जो है डाल दिए हैं, जो अच्छे से हमने वॉश कर लिया था पहले ही। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और तकरीबन इसे हमें 5 मिनट यूं ही मसालों के साथ भूनना है। तो अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद इसमें 2 से 3 सीटी हम ले लेंगे। तो इस सब्ज़ी को आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, वैसे तो हम कुकर में बना रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा सी थी, 1 किलो थी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ आपको मालूम ही है कि मरियम और दानिश, उनकी मम्मी सब हैं, वरना तो फिर कढ़ाई में ही बन जाती थी थोड़ी सी सब्ज़ी, और वैसे भी घर में आधे लोग कद्दू खाते हैं आधे लोग नहीं। तो खैर, ये देखिए हमारी सब्ज़ी का ये फाइनल लुक है, सब्ज़ी बिल्कुल ही बहुत ही लजीज बनी थी। तो आप इस तरह से बनाइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे आज न्यू होंगे वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अब जो बेल आप देख रहे हैं उसको प्रेस कर दें। प्रेस करने से ये होगा कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और नाक मेरी बंद है, और ये देखिए नाश्ता भी करने जा रहे हैं, साथ में विक्स इनहेलर लिए बैठे हुए हैं। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक की था, और ये तोती देखिए सबको काटने के लिए दौड़ रही है, हम लोगों ने इनका नाम रखा छोटी आपा। तो बस छोटी आपा के ऊपर ब्लॉग शुरू किया था और छोटी आपा के ऊपर ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।